तो दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि आज हम एक नालीदार अंडरवियर की कटिंग सीखेंगे और जिसमें पोकड़ी भी लगता है। तो अभी तक अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा करके और घंटी को भी दबाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि अंडरवियर कटिंग कैसे होता है। तो दोस्तों जैसा हमारा एक मीटर कपड़ा है और हमने इस तरफ फोल्ड किया हुआ है और हमको लंबाई हमारी 15 इंच है और इसका जो कमर है वो 36 इंची है, 36 इंच। तो आपको जैसा लंबाई जितना आप कस्टमर के हिसाब से जितना लंबाई रख सकते हैं, 14 इंच, 15 इंच, 16 इंच। तो हमारी अंडरवियर की लंबाई है 15 इंच तो हम इसी हिसाब से कटिंग करेंगे। तो इसका कमर जो है 36 इंच है तो ज़्यादा करके अंडरवियर ही कमर के हिसाब से ही कटिंग होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों अब हम पहले हम नाड़ी के लिए इधर 2 इंच इधर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये हमारी नाड़ी पट्टी मोड़ हो गई और अब यहाँ से हम 15 इंच का निशान लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारा निशान हो गया, इसमें हमको एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रखना है और हमको स्केल की तरफ सहायता से इस तरह से एक लाइन ही देना है इस तरह से और फिर इधर भी इस तरह से। दोस्तों जैसा कि हमारा हो गया ये पट्टी नीचे साइड का हो गया, तो कमर हमारा 36 इंच है तो हमको जैसा 36 का चौथा भाग 9 इंच होता है तो 9 में हम 4 इंची प्लस करेंगे, 4 इंच 9 4 13 इंच होता है, 13 इंच हम इधर निशान लगाएंगे और हम मियानी के लिए इधर से 2 इंच का निशान लगाएंगे, 2 इंच यहाँ से 2 इंच के हम ऊपर मियानी लगाएंगे और यहाँ हम 14 इंच का निशान लगाएंगे क्योंकि हिप थोड़ा ज़्यादा होता है इसलिए थोड़ा सा यहाँ ज़्यादा रहेगा, ये 14 इंच हो गया और हम इस तरह से ऐसा लाइन खींचेंगे इस तरह से और ये हमारा मियानी का निशान हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मियानी लग जाएगा। तो अब हम इसको कटिंग करते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि ये ऊपर का है, ये नाड़ी वाला भाग है जो नाड़ी मुड़ेगा इधर से, तो कैंची खा के इस तरह से हम कटिंग करेंगे। और दोस्तों फिर इधर हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, कटिंग हो गया। इसमें बहुत सीधा सिंपल कटिंग है, हमने आपको बताया है। और यहाँ कट का निशान लगा लें यहाँ भी और यहाँ नाड़ी के लिए इस तरह से। तो अब जैसा कि हमको यहाँ नाड़ी मोड़ देना है इस तरह से, नाड़ी के लिए इतना मुड़ जाएगा और प्लस नीचे पट्टी हो जाएगा इधर से। तो इस तरह से आप अंडरवियर की कटिंग कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। एक कमर का चौथा भाग इसमें प्लस 4 इंच एक्स्ट्रा करने का, यहाँ हिप का भी चौथा भाग रहेगा प्लस उसमें 1 इंच और एक्स्ट्रा इसमें मतलब रखा जाता है ताकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा रहे, हिप का भाग ज़्यादा होता है। तो अब हम आपको मियानी की कटिंग बता देते हैं, मियानी किस तरह से हमारा कटिंग होगा। और दोस्तों ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें तभी आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि अब हम मियानी निकालेंगे, मियानी के लिए कहीं से भी कपड़ा आप ले सकते हैं और ये आप देख सकते हैं मियानी हमारी 6 इंच से 7 इंच तक का कर सकते हैं आप। 7 इंच को फोल्ड कर लेने का इस तरह से और ये कपड़ा इस तरह से निकाल लेने का। और दोस्तों मियानी इस तरह से करता है, इसकी चौड़ाई 5 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच रखेंगे तो और बेटर रहता है ताकि मियानी अच्छे तरह से बैठे, पहनने में आरामदायक भी होता है। तो इस तरह से मियानी कटिंग हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये मियानी हो गया हमारा। तो अभी इसको हम जो ऐसा हो गया मियानी, इस तरह से ऐसा लगता है मियानी, इस तरह से मियानी लग जाएगा। मियानी दोस्तों हमेशा 1.5 इंच 2 इंच के अंदर ही लगाने का, उससे ऊपर नहीं लगाने का, क्योंकि अगर ऊपर कर देंगे तो जो आसन है, आसन पहनने में दिक्कत होता है, इसलिए मियानी को हमेशा नीचे तक लगाने का।
डेढ़ इंच तक लगाएंगे तो और बेटर रहता है। अगर अंडरवियर की लंबाई ज़्यादा है तो आप 2 इंच कर सकते हैं, अगर छोटा साइज का है, अगर छोटी लंबाई है अंडरवियर की तो आप 1.5 इंच कर सकते हैं यहाँ से इस पट्टी से। तो इस तरह से आप अंडरवियर की कटिंग कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम दोस्तों दिखाएंगे कि इसमें पॉकेट कैसा लगाया जाता है अंडर नाड़ीदार अंडरवियर में। तो इसमें पॉकेट भी हम आपको दिखाएंगे, हमने कटिंग बताया, इसकी स्टिचिंग हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर कोई आपको दिक्कत है कोई कटिंग करने में सिलाई में तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसके लिए आपको हम और दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें सभी हम जानकारियां आपको देंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद।